देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस की एक मतलब इलस्ट्रेशन में से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर टोटल हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिल रही है, 2,23,000, जिसमें से 4,000 पिछले साल का है, करंट ईयर का 2,11,000 मिल रहा है, आने वाले साल का 8,000 मिल रहा है। हमारे मेंबर्स कितने हैं, 450 मेंबर्स, ईच मेंबर कितनी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, 500। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जानी चाहिए सब्सक्रिप्शन, 450 × 500, 2,25,000 रुपीज़ जाने चाहिए, जो इस साल की सब्सक्रिप्शन बनती है। ठीक है, इस साल की कितने मेंबर्स हैं, 450, और एक मेंबर कितना पे कर रहा है, 500। तो इस साल की सब्सक्रिप्शन बनती है रिसीवेबल, जो इस साल की एक्चुअल बनती है, 2,25,000। ये हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी है। 4,500 रुपीज़ वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, पिछले फॉर द ईयर 2020 इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021। अच्छा, तो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरे कितने आउटस्टैंडिंग थे, 4,500, जिसमें से मुझे 4,000 रुपीज़ मिल गए, अभी भी पिछले साल के 500 रुपये पेंडिंग है, स्टिल इन एरियर्स, अभी भी पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है 500, स्टिल इन एरियर्स, पिछले साल के अभी भी कितने आउटस्टैंडिंग है, 500। अब बताइए क्वेश्चन कह रहा है सब्सक्रिप्शन को शो कीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंड बताइए किस तरीके से हमने सब्सक्रिप्शन को ट्रीट करना है बैलेंस शीट में एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखिए हमारे 450 मेंबर्स हैं, 500 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमारा कितना बनता है, 2,25,000 बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,25,000 हम शो करेंगे। हमें इस साल का कितना पैसा मिल रहा है, 2,11,000 मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा मिलना कितना चाहिए, 2,25,000, 2,11,000 मिल रहा है, तो हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 14,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग हो गया 14,000। अब देखिए बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,25,000 शो करो आप, क्लोजिंग बैलेंस शीट ये बना रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जब आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो करोगे, तो पिछले साल का अभी भी कितना पेंडिंग है, 4,500 था, 4,000 मिल गया, अभी भी पिछले साल का कितना पेंडिंग है, 500, और इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, 14,000। तो आप जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे उसमें पिछले साल का कितना पेंडिंग है, 500 वो लिखेंगे, और इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, 14,000 वो लिखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस जो 8,000 लिखा जाएगा वो कहाँ से आएगा, ये देखिए हमें जो टोटल पैसा मिल रहा था 2,23,000, उसके अंदर 8,000 आने वाले साल के लिए मिल रहा था, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। ये देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। आई थिंक द क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक और तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमें टोटल कितना पैसा मिल रहा है, हमें सब्सक्रिप्शन के नाम पर टोटल पैसा मिल रहा है 1,43,000 रुपीज़, इन तीनों को प्लस किया 1,43,000, जिसके अंदर 18,000 पिछले साल का है, 1,00,000 करंट ईयर का है, 25,000 आने वाले साल का है। ठीक है, अब हमारी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी 20,000। अब आप चीज़ देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो आपको चीज़ें दे रखी हैं डेट वाइज दे रखी हैं, डेट वाइज दे रखी हैं। तो मैंने आपको जो केस वन किया था, हमने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल रहा है, 1,43,000 आपको रुपीज़ मिल रहे हैं, बाकी आपके पास चार चीज़ें और होनी चाहिए। क्या चार चीज़ें होनी चाहिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 30,000, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस देखिए कितना दिया, 20,000, क्लोजिंग एडवांस यहाँ से मिल गया 25,000। तो आप यहाँ पे केस वन अप्लाई कीजिए, केस वन आप क्या करेंगे, 1,43,000 में से दो चीज़ें प्लस करोगे, दो चीज़ें कौन सी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, 30,000 प्लस करेंगे, और ओपनिंग एडवांस क्या है, 20,000, ये प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1,93,000। और दो चीज़ें माइनस करेंगे, दो चीज़ें माइनस करने के लिए कौन सी कही थी मैंने, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 20,000, और क्लोजिंग एडवांस है हमारे पास 25,000, ये हमने माइनस करना है, 45,000 माइनस करना है, 1,93,000 में से 45,000 माइनस करना है हमने, हमारे पास आ गया 1,48,000। तो मैं इस मेथड से आपको बता रही हूँ, 1,48,000, देखिए 1,48,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे पास
केस वन यहाँ पे क्लियरली केस वन है, ये तो बिल्कुल ही क्लियर केस वन है, क्योंकि हमें डेट वाइज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखी है। डेट वाइज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखी है। टोटल कितना सब्सक्रिप्शन के नाम से पैसा मिल रहा है वो दे रखा है 1,43,000। ओपनिंग एडवांस डेट वाइज दे रखा है, क्लोजिंग एडवांस भी डेट वाइज दे रखा है 25,000। तो आप अपना फर्स्ट केस अप्लाई कीजिए और निकाल लीजिए, 1,48,000 आ गया आंसर। ठीक है, अब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लिखोगे 30,000, तो इस तरह से 30,000 लिख दो। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो एडवांस लिखोगे 25,000 लाइबिलिटी साइड वो लिख दीजिए। ये बेसिकली केस वन है। अब आपका एक तरीके का क्वेश्चन और रह गया जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी।